किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो के साथ में। भाइयों आप देख सकते हैं किसान ने जो है खेत में पहले एक बार रोटावेटर कर दिया, उसके बाद में जो है किसान ने इसमें गोबर का खाद डाल दिया। ये देख सकते हैं गोबर का खाद डाल रखा है, बहुत ही बारीक बारीक खाद फैला दिया पूरे खेत में एक सार बिल्कुल। और अब इसमें फिर से जो है रोटावेटर करवा रहे हैं, रोटावेटर कर रहा है भाइयों जॉन डियर का 50-50D। ये हमारे गांव के अमरपाल भैया हैं, इन ये किराए का काम करते हैं। इनके पास में जो एक ट्रैक्टर है महिंद्रा 575 है, दूसरा इनके पास में पावर ट्रैक वालों का है 439, और तीसरा ट्रैक्टर इनके पास जॉन डियर है 50-50D, और 7 फुटा रोटावेटर है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है ट्रैक्टर। ये शायद लो के टू स्पीड में होगा तभी, क्योंकि इतनी अच्छी चाल बना रहा है ट्रैक्टर। भाइयों जॉन डियर के जो ट्रैक्टर हैं वो अपने आप में बहुत ही दमदार ट्रैक्टर हैं। यह कंपनी अमेरिका की है और 5वें नंबर की कंपनी है जो भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बेचती है। और इसके जो ट्रैक्टर हैं भाइयों अपने नाम से ही बिकते हैं, क्योंकि जॉन डियर जो है किसी भी कहीं भी किसी चीज़ का मोहताज नहीं। जॉन डियर का तो नाम ले दो कि जॉन डियर ट्रैक्टर है तो लोगों को अपने आप ही पता लग जाता है कि क्या चीज़ है। थोड़ा सा ट्रैक्टर के बारे में बता दूं भाइयों, यह 3 सिलेंडर 50 HP में आता है। फ्रंट टायर इसके 750/16 के हैं और पिछले टायर इसमें 1428 के आ रहे हैं। भाइयों अब 50-50D जो है 4x4 में भी आ रहा है, जो हमारे निकट गांव पड़ता है मसूरी। पुष्पेंद्र चौधरी हैं, मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी, उनके पास में है 4x4 वाला ट्रैक्टर। वो जो है बाहर के जो मॉडल हैं कर्नाटक साइड में, उन्होंने वहाँ से ऑर्डर करके मंगाया। कंपनी उसे मेरठ ज़िले में नहीं दे रही तो उन्होंने भैया ने ऑर्डर करा था उसका, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद कंपनी ने वो ट्रैक्टर उन्हें वहाँ पर दिया। उसमें बहुत खूबी ऐसी हैं जो हमारे इन मॉडलों में नहीं है। भाइयों मैं थोड़ा सा आगे से दिखा देता हूँ एक बार, खेत में जो है काफ़ी गुद्दे ठा रखे बढ़िया। अब इसमें जो है भाइयों कल टीलर की जुताई होगी, टीलर की जुताई होने के बाद में बीज बखेर देंगे चारों तरफ के। जैसे मैं दिखा दूँ किसान ने जो है डोल वगैरह पर मिट्टी लगा दी इस तरीके से, जो है भाइयों जैसे मिट्टी वगैरह लगा देते हैं तो इसमें थोड़ा सा खेत जैसा अब तैयार कर दिया पूरा। तो अब किसान जो है जब गेहूं कटेंगे मान के चलो अप्रैल में, तो उस समय किसान को कुछ नहीं करना, भुस्सा अपना लान निकलवा दो और भुस्सा वगैरह उठा के तुरंत ही खेत तैयार हो जाता है। दो बार रूटर कर दो, टीलर कर दो तो एकदम उसमें गन्ने की बुआई कर दो। अब जैसे हम इसमें कुछ भाई जो हैं मेरे क्या करते हैं उल्टा सुद्धा खेत बो दिया, फिर गर्मी के समय में मजदूर मिलते नहीं, परेशान रहे मैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए यो तरीका जो है सबसे अच्छा है कि आप इसी समय उसे कंट्रोल करते हैं। ये देख सकते हैं भाइयों कितना शानदार चला रखा ट्रैक्टर ने, बहुत बढ़िया। ये भाइयों शक्तिमान का रोटावेटर है, हैवी ड्यूटी, बहुत ही ज़बरदस्त 7 फीट का। भैया जी प्रणाम, अब इसमें क्या करोगे? मतलब गेहूँ इधर आ जाओ थोड़े से। एक तो अपना नाम बताओ थोड़ा सा किसान भाइयों को। बब्बू पूनिया गांव पबरसा। बहुत बढ़िया, तो आपने पहले इसमें रोटावेटर करवा दिया, एक बार कर दिया फिर खाद डाल दिया। अब के हैरो नहीं चलाई? नहीं अब हैरो नहीं चला, वो है गिल्ला खेत था थोड़ा। अच्छा नरम था, अगर हैरो चलाते तो क्या होता? गिल्ला होता। ऐसा क्यों? हैरो आल तो बनाई दे। अच्छा हाँ हैरो आल बना दे, नमी नीचे तक फाड़ देती और फिर झुंडे भी मोटे हो रहते उस चक्कर में जो है। फिर हैरो की जुताई में ट्रोली खाद की नहीं खींचता ट्रैक्टर? ना ना हम तो एक बार रूटर कटवा के फिर हैरो करवा दे। हाँ फिर बाद में वो हैरो कर रहे। अच्छा फिर उसमें हैरो बार रूटर में करवाया तो नरम है। नरम है और तो अभी इसमें जैसे अब ये दोबारा खाद, पहले तो रूटर करवा दिया फिर खाद डाल दिया फिर रूटर हो गया, अब कल इसमें ऐसे ही बीज बखेर दोगे? ऐसे बीज बखेर का डाई। हाँ मतलब दो बार टीलर करके मैडम मार दोगे? बस बहुत बढ़िया। जैसे ये खेत काफी बड़ा है तो इसमें एक डोल निकाल लोगे बीच में? एक डोल। बहुत बढ़िया,
भाइयों इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे गेहूं की बुआई की जा रही है। बीज कौन सा बो रहे हैं आप गेहूं का? 303 अर्ली वैरायटी, बढ़िया भाइयों। इस बार जो है 303 गेहूं का बीज है, इसकी ज़्यादा बुआई हो रही है। और भाइयों आप थोड़ी देर में ट्रैक्टर पूरा खेत जोत देगा। इस ट्रैक्टर का डीजल का एवरेज भी बहुत ही बढ़िया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, लाइक शेयर करना। नमस्कार।